मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे मजे से। हाँ, तो बच्चों हमने पिछले टॉपिक में रेक्टेंगल जो मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक है उसके बारे में जाना था। उसका यानी रेक्टेंगल का अर्थ हुआ आयत, आयत के बारे में जाना था कि आयत क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो आज भी उसके बारे में थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। तो जैसे बच्चों आपको पता ही है आयत क्या होता है, क्या होता है बच्चों आयत? एक चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति है। ये एक ये देखो एक आयताकार आकृति है ना। चार भुजाएं होंगी इसमें, कितनी भुजाएं होंगी? चार। चार भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और चारों जो कोण है वो हर कोण का जो माप वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा हर एंगल का। तो ये हम पहली क्लास में कर चुके हैं, इसको हम जान चुके हैं कि क्या होगा। तो अब इससे थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। जो हमें प्रश्न आते हैं वो कुछ इस प्रकार से आते हैं कि हमें एक आयत दिया गया है या एक आयताकार खेत दिया गया है। अगर मान लीजिए एक आयताकार खेत दिया गया है और उसमें से एक रास्ता जो है वो निकाला गया है, तो कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि भाई एक आयताकार खेत दिया गया है और उसमें से एक रास्ता निकाला गया है, तो या तो हमसे पूछा जाता है भाई उस जो रास्ता निकाला उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, या कई बार ये आता है कि जो अक्षेत्र अन्य मच गया आयत में से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसा अगर मानो ये हमारे पास एक आयताकार वो है, अगर कोई पूछे भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा, या फिर हमसे ये पूछा जाए भाई जो ये अक्षेत्र हमें ऐसे जो ये वाला एरिया है इसका अलग से क्षेत्रफल निकाल ले, कई बार ऐसे भी प्रश्न हमारे आते हैं। तो आज इसको ही हम सीखेंगे इसके बारे में कि तो सबसे पहले जो आयत है इसका क्षेत्रफल हमने पिछली क्लास में किया था कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का? लंबाई गुना चौड़ाई, ऐसे ही निकालते हैं। अगर मानो हमें आयत दिया हुआ था और इसकी जो लंबाई थी ये 5 सेंटीमीटर हो और जो ये चौड़ाई है ये 4 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी हो? 5 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना आया इस आयत का? 5 गुना में 4, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई 20 सेंटीमीटर का स्क्वेयर या वर्ग, या इसको हम कैसे लिखेंगे? 20 वर्ग सेंटीमीटर। हम इसको जान ही चुके हैं कि जो यूनिट है हमारी, जो उसका माप है मापन है वो वर्ग सेंटीमीटर में होगा, अगर लंबाई सेंटीमीटर में हमें दी हुई है। तो इसका हुआ हमारा 20। कितना हो गया इसका क्षेत्रफल हमारा? 20 सेंटीमीटर हो गया। अगर इसमें से हमें कोई कहे कि एक वर्गाकार टुकड़ा इसमें से या एक आयताकार टुकड़ा ही इसमें से अगर निकाल लें, कोई कहे भाई आपको ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा,
या इसकी लंबाई हो सकती है, अगर हम इसको दूसरे एक और दूसरा लें यहां, एक और आयत हमें दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है 6 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, और इसमें से 1 सेंटीमीटर का जो भाग है उस भाग को काला कर दिया जाता है। तो 1 सेंटीमीटर वाला हिस्सा है इसको रंग कर दिया जाता है, रंग भर दिया जाता है इसमें। ऐसे अगर आपको ऐसा दिया हुआ हो, ये कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें से जो काला किया हुआ हिस्सा है या रंग भरा हुआ जो भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो ये कितना दिया हुआ था हमें 6 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमने इस एक आयताकार टुकड़े में से रंग कितने पे भरना है? सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर। कितने पे? 1 सेंटीमीटर के ऊपर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम इसका क्षेत्रफल? तो इसका जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये भी एक आयताकार आकृति है, तो कैसे? तो इसकी लंबाई कितनी हुई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हुई इसकी ये वाली 3 सेंटीमीटर, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर हमें जो रंग वाला हिस्सा है उसका अक्षेत्रफल हुआ। कितना हुआ? 3 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई गुना चौड़ाई। अब हमें दिया गया था कि इसमें से 1 सेंटीमीटर हिस्से को आपने रंग करना है, तो उसका क्षेत्रफल निकालो कितना हुआ, तो 1 गुना में 3, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर हमारा इसका क्षेत्रफल हुआ। तो बच्चों कई बार फिर हमसे ये भी प्रश्न पूछते हैं या सवाल हमारे आता है कि एक जो आयत है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर जिसकी भुजाएं हैं क्रमशः लंबाई और चौड़ाई, तो उसको 1 सेंटीमीटर भाग लंबाई के हिसाब से रंग कर दिया जाता है, तो जो बचा हुआ अक्षेत्र है उसका अक्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो बिना रंग आयत की लंबाई कितनी होगी? पहले कितनी थी 6 सेंटीमीटर और आप रंग कितने में कर दिया 1 सेंटीमीटर, तो बाकी कितना बच गया बगैर रंग का? सारी भुजा 6 है और उसमें से 1 सेंटीमीटर हम रंग वाला कम करेंगे, तो 6 में से 1 गया 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी फिर? ये तो होगी लंबाई, और चौड़ाई कितनी होगी बच्चों इसकी? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं हुआ, तो वो कितनी रहेगी 3 सेंटीमीटर है। तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा? बिना रंग जो रह गया आयत उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्षेत्रफल किसका? बिना रंग वाले हिस्से का, बिना रंग आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल।
तो 5 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 5 × 3 = 15। वेरी गुड, 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितना हुआ हमारा, 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो हो गया। अच्छा बच्चों, तो अब हम उत्तर की पड़ताल के लिए अब ये देखें कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो जो पहले आयत दिया हुआ था उसकी लंबाई कितनी थी, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई कितनी थी जो हमें शुरू में दिया गया था, 3 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी गई थी 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी गई थी 3 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हुआ 6 × 3, तो 6 × 3 = 18 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा इसका क्षेत्रफल हुआ। अब हम देखते हैं कि 15 तो इसका क्षेत्रफल आया था और 3 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया था, तो दोनों को जोड़ के देखते हैं, 15 तो ये वाले हिस्से का और 3 इस वाले हिस्से का, 15 और 3 कितना हो गया 18 वर्ग सेंटीमीटर, और यहां हमने निकाला वो कितना आया 18 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा उत्तर है बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ही आयत तो था ये 6 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है और 3 सेंटीमीटर जिस आयत की चौड़ाई है, तो ये ही तो था। तो यहां हमने किया था 6 × 3 = 18 वर्ग सेंटीमीटर पूरे के पूरे आयत का, और जो काला हुआ हिस्सा है या जिसमें रंग भरा हुआ है उसका क्षेत्रफल हमने कैसे ज्ञात किया था, लंबाई 1 सेंटीमीटर थी, चौड़ाई इसकी 3 थी, तो 3 वर्ग सेंटीमीटर, और जो बगैर रंग का था उसकी कितनी लंबाई रह गई थी 6, और एक रंग वाली घट गई थी उसमें 5 सेंटीमीटर रह गई थी, चौड़ाई उसकी कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई उसमें फेरबदल नहीं था, कोई उसमें चेंज नहीं था, तो 3 सेंटीमीटर ही रही थी। तो बिना रंग जो आयत का क्षेत्रफल वो कितना हुआ 5 × 3 यानी कि लंबाई 1 × 4 तो 15 वर्ग सेंटीमीटर, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर ये 3, ये 15 और 3 है 18 वर्ग सेंटीमीटर, और पूरे जब हम आयत का निकाला था हमने तो 6 सेंटीमीटर लंबाई, 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, तो क्षेत्रफल हुआ लंबाई 1 × 4 यानी कि 6 × 3 तो 18 वर्ग सेंटीमीटर, तो 18 वर्ग सेंटीमीटर हमारा यहां है, और 18 वर्ग सेंटीमीटर ही जब हम दोनों का योग करते हैं तो आता है। तो ये हमारी उत्तर की पड़ताल भी होगी कि हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो सही है, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारा आंसर इसका बिल्कुल सही है। तो बच्चों हमने जो ज्ञात किया है ऐसे, अगर ऐसे ही इसको हम एक सवाल को और देखें करके, अगर ये हमें 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर हो जाए, ये रंग भरा हुआ हिस्सा 2 सेंटीमीटर हो जाए, और फिर हमें कोई कहे भाई इसका आपने क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये होगी 2 सेंटीमीटर तो ये हुआ हमारा लंबाई कितनी होगी इसकी 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी हुई 3 सेंटीमीटर, वो तो पहले से ही है, तो क्षेत्रफल कितना हुआ इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात करना है जहां पे रंग भरा हुआ है, ये काला हमने जो किया हुआ है, तो 2 × 6 वर्ग सेंटीमीटर कितनी हुई 6 वर्ग
सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने ज्ञात किया अक्षेत्रफल निकालना, एक आयत के अंदर से ही आपको दिया हो तो उसको आप कैसे निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं और थोड़ा सा आगे फिर जानेंगे। नमस्कार बच्चों।